एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं आज से। एपिसोड हो गए संघर्ष की कहानियों को लेकर। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना होता है। हमारे साथ आज के इस पहले एपिसोड के गेस्ट है भाई उमेश कुशवा। उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं पर इनकी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष रहा है। हाल फिलहाल वो आईटी गुवाहाटी में पीएचडी कर रहे हैं पर यहाँ तक पहुँचने की उनकी जर्नी में बहुत सारे कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा है। बचपन से हायर स्टडी इनकी एक इच्छा रही है पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत सारी स्टडीज़ ऐसे उन्होंने बीच में छोड़ भी दिए। जैसे उन्होंने बीएससी कर ली, बीएससी के बाद एमएससी की, एमएससी के बाद एमटेक ज्वाइन किया, एमटेक को छोड़ दिया, फिर दोबारा से एमएससी की, एमएससी कंप्लीट करने के बाद पीएचडी ज्वाइन किया, फिर पीएचडी छोड़ दी, फिर एमटेक की, एमटेक की आईआईटी गुवाहाटी से, तो टोटल 3 मास्टर्स डिग्री, उसके बाद फिर जेआरएफ, जेआरएफ के बाद एसआरएफ और हाल फिलहाल आईआईटी गुवाहाटी में वो पीएचडी कर रहे हैं। तो भाई साहब आप करना क्या चाहते थे? ऐसा क्या चीज़ था जो आपको मिल नहीं रहा था और बार बार आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो और उसको छोड़ते हो, क्या वजह रही है? वजह कोई नहीं थी, मतलब हमारी इच्छा हमेशा मतलब एक चीज़ होती है कि अगर हमें कोई चीज़ सुटेबल नहीं लगती है तो मतलब हम क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत उसमें लांग लपेट नहीं करते हैं। अगर तो आप असल में करना क्या चाहते थे लाइफ में? करना पीएचडी ही चाहते थे, मगर क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। जब आप जैसे आप कोई चीज़ सोच करके किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो या कुछ भी, मान लो आप कोई भी डिग्री करते हो या कुछ करते हो तो आप ज्वाइन करते हो, फिर आपको वहाँ की रियलिटी पता चलती है। ओके हम मतलब गांव की एक पृष्ठभूमि से थे, जो भी देखा तो न्यूज़ पेपर या कहीं अखबार में देखा कि ये करने से ऐसा होता है, मगर जब आप वहाँ करने गए तो पता चला कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। बाद में लगा ये फालतू में क्यों कर रहे हो। आप असल में उत्तर प्रदेश के किस एरिया से संबंध रखते हो? उत्तर प्रदेश का बेसिकली क्या है, हम बुंदेलखंड से आते हैं जो मतलब शायद इंडिया का सबसे पिछड़ा है। मतलब वहाँ के लोगों की जो लाइफ अर्थव्यवस्था मतलब बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ एक तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती लोगों की, और अभी इन 10 साल में काफ़ी चेंजेज आए हैं, मगर क्या है कि मैं देखता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट में ओनली हमारा एक ऐसा गांव है जो मतलब एक तो क्या है नेशनल हाईवे से लगा हुआ है और एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है हमारे गाँव में। कम से कम 500 लोग तो रेलवे में जॉब करते हैं। मतलब इस 10 साल में लोगों ने इतना संघर्ष किया है कि हमारे गांव का परिवर्तन आ रहा है। हाँ, मतलब हमारे गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरह से गांव जैसा नहीं रह गया है। लोगों की मेंटलिटी चेंज हुई है, लोगों को जैसे क्या है पहले कोई लड़कियों को नहीं पढ़ाता था, मगर अभी क्या है हमारे गाँव में लगभग मतलब कोई ऐसा होगा जो नहीं पढ़ा रहा होगा, लगभग सारे लोग पढ़ रहे हैं। मगर ऐसा सब जगह नहीं है कि हमारे अगल बगल के गाँव में ऐसा हो या दूसरी जगह। तो जब हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था तो बस ये था कि पढ़ना है, ठीक है, कोई कुछ बताने वाला नहीं था। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता? मतलब गाइडेंस था, मगर मेरी आदत रही है मैं ज़्यादा किसी से गाइडेंस लेता नहीं हूँ। मैं एक बार सोचता हूँ और मेरे मन में जो ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है तो फिर मैं करता हूँ। अभी आपको क्या कहना है कि आप जो कर रहे हो सूटेबल है, आप सही जगह पर हो? नहीं मतलब ठीक है, इंडिया में इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मतलब जैसे आप दूर से देख करके ऐसा मतलब एक ऐसे होता है ना कि आप करोगे ये तो बिल्कुल फाड़ू हो जाएगा कुछ, क्योंकि देखो पीएचडी करने के बाद रियलिटी है कि लोग जॉब के लिए संघर्ष करते हैं। तो मतलब पीएचडी तक तो ठीक है, मगर अभी क्या है कि जॉब का सिनेरियो ऐसा है कि आप पीएचडी करके निकलोगे तो गवर्नमेंट जॉब कितना निकलता है, लोग परमानेंट वैकेंसी फिल नहीं करना चाहते। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे कोई 70-80 हज़ार 90 हज़ार से ज़्यादा देना नहीं चाहता है। इतनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 70-80-90 हज़ार मिल रहा है? हाँ, मतलब जो इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ जैसे अमेठी है, शारदा है और वो इतना दे रहे हैं, मतलब इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ इतना देती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आप कितना चाह रहे हो? अरे यार पीएचडी करने वाला यार गाड़ी बंगला बीवी मतलब अच्छी फैमिली सब कुछ चाहता है ना। अब तुम 70 हज़ार रुपये में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, तुम ढंग से अपने रूम का भाड़ा नहीं दे सकते हो। तो एक मतलब पीएचडी के बाद जो आदमी का एक एक्सपेक्टेशन होता है तो फिर वो धरा के धरा रह जाता है। तो उमेश भाई पहले ये जानते कि पीएचडी तक आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ तक आए हो आप अपने गांव से लेकर यहाँ तक? जैसे आपने अपने क्लास में देखा होगा आप आईआईटी से एमटेक कर रहे थे, उससे पहले आप अलग इंस्टीट्यूट में थे, तो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कुछ लगता था कि हाँ ये चीज़ें मुझे पहले नहीं मिली, इसका मुझे पहले पता नहीं चल रहा था? मतलब मुझे कोई चीज़ कभी कठिन नहीं लगी, मगर क्या था कि अवेयरनेस की कमी रही है। ओके जैसे क्या है कि किसी ने
मान लो हमने कहीं टीवी में देखा या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देखा कि ये काम करने के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए, हमने क्या किया कि उसका देखा प्रॉस्पेक्ट, जो प्रॉस्पेक्टस होता है, सिलेबस देखा, पढ़ना स्टार्ट किया, एग्ज़ाम निकाला, फिर गए, पता चला यार जैसा उसमें लिखा है, जैसे क्या है कि न्यूज़पेपर में, जब मैं इस फील्ड में आया था तो मैं पहले क्या है मेडिकल की तैयारी कर रहा था ट्वेल्थ के बाद डॉक्टर बनना था। हाँ, तो क्या है कि मैंने एक बार देखा तो उसमें न्यूज़पेपर में ऐसा था कि बहुत अच्छा अच्छा पिक छपा हुआ था और बहुत बूमिंग कैरियर दिखा रहे थे कि मतलब नहीं कुछ फाड़ू होगा इसमें, साइंस में ऐसा होगा वैसा होगा, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं अब शायद ये भी करना ठीक ही है। और मतलब बड़े बड़े साइंटिस्टों को देखते थे तो थोड़ा ऐसे दिमाग में थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, इन लोगों ने सोसाइटी के लिए कुछ किया, तो मेरे दिमाग में भी आया कि नहीं ठीक है साइंस की फील्ड में जा कर के कुछ करना है। फिर उस फील्ड में गए तो आगे पता चला कि ये करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, गेट का एग्ज़ाम है, CSIR नेट है। तो मुझे कभी मतलब अवेयरनेस की कमी से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मुझे कभी इस चीज़ की वजह से सामना नहीं करना पड़ा कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहा या कुछ ऐसा है। हाँ, एक चीज़ का मुझे हमेशा फेस करना पड़ा है कि मैं बिल्कुल हिंदी पट्टी से आया था, तो क्या था इंग्लिश आती थी मगर इंग्लिश बोल नहीं पाता था मैं, तो स्पीकिंग ऐसी थी जब मैं मतलब 16-17 में कि अगर कोई एक लाइन बोल दे तो मेरे हाथ पैर सूज जाते थे जवाब देने में। तो क्या था कि ठीक है एग्ज़ाम निकाल लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, मगर मैं हमेशा, मेरी जो इच्छा रही है दिली इच्छा, मैं हमेशा प्रीमियम इंस्टीट्यूट में ही पढ़ना चाहता था। तो आपने BSc कहाँ से किया? BSc किया मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। और अपने एरिया से किए? हाँ, अपने एरिया से। पहली बार जब बाहर निकले हो बुंदेलखंड? मैं देखो जब मैं BSc कर रहा था मैं कानपुर में रह रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, मगर मैं एग्ज़ाम देने ओनली जाता था। इस वजह से क्या हुआ कि मेरे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो आपको पता भी नहीं होता प्रैक्टिकल कैसे करना है, और जब टीचर्स को नहीं जानते हो जो प्रैक्टिकल कराने वाले प्रोफेसर्स या जो भी लोग होते हैं, तो वो नंबर भी नहीं देते क्योंकि आपको वहाँ कोई जानता भी नहीं है, आप एकदम जा कर के उसी दिन, हम लोग रात में फाइल बनाते थे पूरी, एक दिन में पूरी फाइल बन जाती थी कि ये प्रैक्टिकल है वो ये है, और हम लोगों का कोई मतलब हायर एजुकेशन का उस समय तक मेरे दिमाग में कोई ऐसा वो नहीं था। मगर फिर क्या हुआ कि BSc मतलब मेडिकल करते करते जब मेडिकल में मुझे MBBS नहीं मिला तो बार बार रैंक कम आती थी, तो पहले मैं सोच रहा था कि BDS ही ले लूँ, मगर मेरे घर में ऑलरेडी भैया लोग MBBS हैं, भैया भाभी, तो उन लोगों ने बोला कि यार इसका कोई स्कोप नहीं है, मतलब आजकल BMS BHMS और BDS का मतलब MBBS वाले तो मारे मारे घूम रहे हैं तो ये करके क्या करोगे। तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब ठीक ही है गाइडेड, तो फिर MSc कर ली। तो मैंने क्या किया कि मैंने मतलब मैं हमेशा मतलब कोई मुझे ऐसे फोर्स नहीं करता था कि तुम्हें ये नहीं करना ये करना है, तो मेरे दिमाग में एक बार मैंने ऐसे नोटिस पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके बारे में पता करना चाहिए, और मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं मतलब हमेशा से झुंड में नहीं दौड़ना चाहता था, कि मेरे गांव में लोग क्या है कि सारे लोग तीन ही जॉब करते हैं, या तो रेलवे में ड्राइवर बनते हैं, या तो कोई आर्मी में जाता है, या तो टीचर बनते हैं। तो आपको क्या बनना था? डॉक्टर तो बनना, ये तीनों चीज़ मुझे नहीं बनना था, ये मुझे पता था क्योंकि मेरे घर में सारे लोग रेलवे में जॉब करते हैं, तो मुझे बस ये पता था कि मुझे रेलवे का जॉब नहीं करना है और बाकी जो करना है तो करना है। तो और टीचर भी नहीं बनना था क्योंकि मैं देखता हूँ कि किसी से भी तुम सुनोगे तो बुराई ही सुनोगे कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, मोटी सैलरी उठाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बैठे रहते हैं, पान खाते हैं। मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब मैं अपने प्रति हमेशा ऐसा जॉब करना चाहता हूँ जिसमें मैं ईमानदार हूँ, और मैं मतलब अगर कहीं से सैलरी ले रहा हूँ तो उसका 100% उसको दे पाऊँ, मतलब मैं सोसाइटी को अपना जो रिवर्स दे सकता हूँ वो कर पाऊँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ हट करके करना है। फिर जब मैंने ये देखा कि अब ये चीज़ करना है, मान लो कि मैंने देखा साइंस में कि माइक्रोबायोलॉजी का बहुत अच्छा स्कोप है, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी में जा कर के पता किया, एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी कैंपस में, कानपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक लगा, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि लैब में जाते थे और
मतलब क्योंकि वो सब नया था हमारे लिए। मैंने सुना था कि आपको वहाँ पे कमरे के किराए के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा है। मतलब किराए वो कहानी ऐसा है कि जो बुंदेलखंड एरिया है वो थोड़ी मतलब उस समय बहुत उस तरह का था, मतलब पिछड़ा टाइप का या सूखा उखा पड़ता है, बहुत कई तरह की समस्याएं हैं। तो वहाँ मतलब थोड़ी लोगों की एजुकेशन कम है आसपास के एरिया की, तो मेंटलिटी भी ऐसी है कि जब वो लोग कहीं बाहर रहने जाते थे ना तो कुछ ना कुछ हंगामा काट के आते थे, या तो मकान मालिक से लड़ जाना या कुछ करना, मतलब कुछ भी हंगामा काट, कोई भी अपराध वाली घटनाएं, अपराध मार कूट कर देना, कुछ भी कर देना। उससे क्या होता था, जैसे कोई जेन्युइन पर्सन भी जा रहा है तो जब वो पता चलेगा कि ये हमीरपुर का बंदा है ना, तो वह दूर से मकान खाली भी होगा तो वो हाथ पैर जोड़ लेगा कि भैया आपको नहीं देना। तो ऐसे करके मतलब कई जगह पर ऐसा होता था कि मतलब दिक्कत आती थी। फिर क्या हुआ कि जब हमने MSc किया तो MSc के बाद पता चला कि अगर साइंस में आगे कुछ करना है तो हमें मतलब CSIR नेट और गेट करना होगा। मगर वो एग्ज़ाम मतलब मेरे सारे दोस्त, और पहली बात तो हमने अपनी फ्रेंड सर्कल में 3 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने ये सब किया, मगर जो बैच के सारे लोग थे तो वो बोलते थे यार बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मतलब बहुत हवा बना करके बोलते थे। मगर ये चीज़ मुझे कभी कठिन नहीं लगी। मैंने मतलब आज तक 5 बार एग्ज़ाम दिया गेट का, 5 बार मैंने क्वालिफाई किया। जब जब दिया मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, CSIR नेट दिया, CSIR नेट क्वालिफाई किया, मगर मुझे इस वजह से कभी कठिनाई नहीं आई कि मतलब मैं एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहा था या क्या कर रहा था। मगर उसी समय मुझे चीज़ पता चली कि आप मतलब माइक्रोबायोलॉजी से इंडस्ट्री में अच्छा जॉब कर सकते हैं। तो उस समय हम लोग रैनबैक्सी गए, रैनबैक्सी में गंगूवाला में वहाँ जा कर के, कहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सिरमौर में। अच्छा, तो वहाँ पर गंगूवाला में मैंने रैनबैक्सी में थोड़ी दिन काम किया। फिर MTech कब किया? MSc के बाद MTech किया? हाँ, तो आकर के लौट करके किया ना, छोड़ दिया इस वजह से दिया कि मेरे दिमाग में हमेशा मतलब क्वालिटी को लेकर के मतलब एक बहुत वो रहता है कि मैं मतलब चीज़ें परफेक्ट ही करना चाहता हूँ। तो मैं जब मैंने ज्वाइन किया तो HVTI ज्वाइन किया, कहाँ पर है ये? कानपुर में है। अच्छा। बहुत अच्छा है, मतलब वो स्टेट लेवल का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। Okay. लोगों का सपना होता था जब स्टेट लेवल का एग्ज़ाम निकालते थे कि यहाँ से इंजीनियरिंग करना है। तो मैंने लोगों के मुँह से बहुत सुन रखा था, जब मगर मैं वहाँ गया तो कोई लैब नहीं है, खटारा इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट सब, मतलब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, तो वो सब ऐसे। अभी यही दशा है वहाँ की? अब मुझे पता नहीं है क्योंकि वो बात 10 साल पुरानी हो गई, मगर कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, सब मक्कार टाइप के ऐसे उस तरह के फैकल्टी होते थे गेस्ट वाले। अब यार तुम 30,000 रुपये दे करके उससे एक्सपेक्टेशन भी क्या कर सकते हो, अगर ठीक है। तो मैं मतलब उस चीज़ का दोष नहीं दे रहा कि उन लोगों का जो मेंटेन करने का तरीका क्या था, मगर जब मैं गया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि लाइफ में कुछ करना है मगर इस तरह का नहीं करना है, तो छोड़ दिया। तो मैंने 55,000 कुछ रुपये फ़ीस जमा किया था, फिर मैं 2-3 महीने बाद छोड़ दिया। मैं मतलब मेरे साथ एक चीज़ की कभी दिक्कत नहीं रही कि घर वालों ने कभी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि तुमने यार यहाँ फ़ीस जमा कर दिया, इसको छोड़ दिया, वहाँ जमा किया, उसको छोड़ दिया। तो फीस आप तब तक घर वालों से ही लेते रहे? मैं हमेशा घर वालों से, मेरे पिताजी अभी भी मुझे अपना एक ATM दे करके रखते हैं, क्योंकि अपने घर में मैं ही एक बेरोज़गार टाइप का आदमी हूँ, बाकी तो मतलब सब सेटल हैं, छोटा भाई भी रेलवे में जॉब करता है। तो मेरा क्या है कि मैंने वो छोड़ दिया, मगर यह है कि कभी मैंने घर वालों से पूछ करके ना कोई चीज़ पकड़ी है ना छोड़ी है। मैंने अपने मन से एडमिशन लिया, रुपए निकाल करके एडमिशन ले लिया, अपने मन से छोड़ दिया। नहीं, ये फिर MTech के बाद MSc करने वाली कहानी क्या है? MSc करने वाली कहानी ये थी कि किसी ने बोला कि यार ये जो तुम MSc कर रहे हो ना अप्लाइड साइंस, स्टेट लेवल का जब वैकेंसी निकलती है तो अप्लाइड साइंस को कोई लेता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बॉटनी जूलॉजी की वैकेंसी होती है तो बॉटनी जूलॉजी से लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया कि जूलॉजी से फिर मैंने MSc किया। ये कहाँ से किया? ये DAV कॉलेज है कानपुर में ही, तो किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है? वो कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। तो मैंने किया, तो करने का मतलब यही था कि जब हम जाते थे तो कभी कभी जाते थे कॉलेज,
जो वहाँ पढ़ाने वाले होते थे उनका नॉलेज हम लोगों से बहुत पुअर होता था, वो आकर के बोर्ड में कुछ भी करते थे। अब हम लोग उस ज्ञान के लेवल को पार कर चुके थे तो क्लास तो अटेंड करने में मज़ा नहीं आती थी, मगर कभी कभी कुछ वो पढ़ा रहे होते थे तो हम लोग टोंक देते थे तो उनको मतलब ठीक नहीं लगता था। तो फिर एक दो बार ऐसी बात हुई, फिर उन लोगों ने बोला कि आप लोग क्यों आते हो, आप लोगों को तो ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे, ऐसे ही पास हो जाओगे। तो जाना छोड़ दिया हम लोग, सीधे एग्ज़ाम दिए और सब हो गया, हम लोगों पास हो गए। हाँ, फिर इसके बाद मेरे दिमाग में आया कि ठीक है यार, अब मतलब आगे बढ़ना चाहिए पीएचडी की तरफ। तो मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, एमपी में एक यूनिवर्सिटी पड़ती है एमजीसीजीबी यूनिवर्सिटी, मगर मैं जबलपुर में एक नीर्थ करके इंस्टीट्यूट है, NIRTH करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर डॉक्टर एस राजा सुब्रमण्यम के अंडर में मैंने काम स्टार्ट किया। वो साइंटिस्ट डी थे उस समय। अब मुझे काम, मैंने कैंसर बायोलॉजी में स्टार्ट किया था। आप पीएचडी ज्वाइन करते हो? हाँ, पीएचडी जब ज्वाइन किया, रजिस्टर कहीं और हुए, काम कहीं और, मतलब ऐसे ही होता था ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट डिग्री नहीं देता। हाँ। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर एस राजा सुब्रमण्यम के अंडर में काम स्टार्ट किया, मगर ये चीज़ मेरी यूनिवर्सिटी वालों को पसंद नहीं आई। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग गए थे वो क्वालिफाइड नहीं थे, कोई भी एग्ज़ाम निकाल के नहीं गए थे, सीधे ऐसे एडमिशन लिए थे और उनको कुछ पता भी नहीं था। साइंस का कोई भी टर्म बोल दो बड़ा सा तो उनको ऐसा लगता था कि अरे ये भी होता है क्या। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक उन लोगों को एक बहाना मिल गया। जिस समय मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट किया ना, उसी समय UGC ने एक नोटिस निकाल दिया और वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। क्या था वो? UGC ने एक नोटिस निकाला जिसमें ये लिखा था कि आप अगर PhD कर रहे हो ना तो जो आपका सुपरवाइज़र होगा वो पेरेंट इंस्टीट्यूट का होगा, आपको सुपरवाइज़र बाहर से बना अच्छा। सकते हो। ठीक है, और ये मतलब मेरे लिए इतना टेंशन का काम था क्योंकि आप PhD में एडमिशन ले चुके हो, काम स्टार्ट कर चुके हो, सारी चीज़ें आप सब कुछ कर चुके हो और कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हो, आगे काम बढ़ चुका है। फिर इसके बाद क्या है कि आप बार बार रिसर्च, मतलब वो एक रिसर्च डायरेक्टरेट बना रहता है ना जहाँ पर रिसर्च के काम होते हैं, तो मैं बार बार वहाँ जाता था और वो लोग बोलते थे कि ये तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। और यहाँ का सुपरवाइज़र बोलता था, मतलब यहाँ का जो मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर को सुपरवाइज़र बनाया था, वहाँ पर सुपरवाइज़र बनाया था, तो यहाँ के सुपरवाइज़र हमेशा ये बोलते थे कि तुम मतलब सुपरवाइज़र तो हम ही बनेंगे नियम के अनुसार। मगर मेरा क्या था कि जो नोटिस निकली थी वो नए आने वाले स्टूडेंट के लिए निकली थी, मेरे लिए नहीं निकली थी। मगर एक बहाना था कि स्टूडेंट को रोकना, ये थोड़ी ज़्यादा हवा में उड़ता। तो मैंने क्या किया कि मेरा काम क्या था, मैं चित्रकूट आता था, चित्रकूट एक्सप्रेस से रात में 2 बजे रोज़ बैठता था और जबलपुर जा कर के उस प्रोफेसर के पास जाता था, साइंटिस्ट के पास जाता था और मैं बात करता था कि सर आप वो सुपरवाइज़र बनने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको सुपरवाइज़र ये हो। तो वो बोलते थे उमेश मैं तुम्हारे पीछे 15-20 लाख रुपए का केमिकल खर्च करूँगा, मैं तुम्हें फ्री में काम करवा रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ, तो आपको ये सब कैसे हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैनेज, मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी मगर यूनिवर्सिटी वाले प्रॉब्लम कर रहे थे, तो ऐसे छोड़ दिया। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ऐसे मेरे दिमाग में आया, मैंने मतलब घर गया तो सोचा कि यार चलो PhD की डिग्री ही तो लेनी है, तो फिर मैंने सोचा यूनिवर्सिटी से ही काम कर लेता हूँ। तो मैं गया, जो यूनिवर्सिटी का सुपरवाइज़र था, मैंने यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र को बोला कि सर मैं काम करूँगा अगर आप मुझे बाहर जाने की परमिशन दें, आप सुपरवाइज़र होंगे, मैं अपने पूरे पैसे से, क्योंकि पैसे की मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फेलोशिप नहीं मिलता था। इंस्टीट्यूट छोड़ दोगे तो फेलोशिप क्यों मिलेगा, वहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए था ना, तो वहाँ से पैसा मिलना था। तो इंस्टीट्यूट में मैंने क्या किया कि मुझे ये था कि 3 साल में समाप्त कर लूँगा और मेरे लिए 3 साल, क्योंकि भाइयों का सपोर्ट था, फादर का सपोर्ट था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था कि फेलोशिप भी नहीं होगी तो 3 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जो आपको 20-25 साल पढ़ा सकते हैं तो 3 साल और पढ़ा सकते हैं। तो मगर दिक्कत ये आ गई कि यार एक दिन मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठे बैठे मैं लखनऊ पहुंचा, मैं सुपरवाइज़र से अपने पूछ करके गया था कि सर मैं लखनऊ जाऊंगा और वहां पर बायोटेक पार्क में काम करूंगा, मेरी एक सीनियर थी उसने लैब वहां पर खोल रखा था, मतलब लोग अपना अपना लैब ले लेते हैं ना, तो मेरी एक सीनियर थी, अभी तो मुझे नाम भूल रहा है, उन्होंने वो पूरी लैब मालिकुलर की ले रखी थी, तो मैंने
मुझे काम अच्छा करना था तो मैंने ऑब्जेक्टिव भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डिजाइन कर रखे थे। इसके बाद क्या हुआ, मैं आया ट्रेन में बैठा रात में और वहाँ सुबह पहुँचा तो 1% बैटरी बची थी मेरी। इतने में सुबह का 9 बजा होगा और 9-10 प्रोफेसर मेरे आए केबिन में, उन्होंने देखा कि उमेश आया नहीं तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला कि उमेश तुम कहाँ हो, तो मैंने कहा सर मैं तो लखनऊ में हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे करोगे तो आपकी PhD नहीं हो पाएगी, आप बाईपास कर रहे हो, बिना पूछे जा रहे हो। मैंने क्या किया कि मेरे पास गेट के सर्टिफिकेट 3-3 साल के लिए वैलिड होते थे, मेरे 2-3 सर्टिफिकेट पड़े थे जो सारे वैलिड थे। तो मैंने क्या किया कि सारी IIT में इंटरव्यू दिए, तो इत्तफाक से उस साल भी मैंने गेट का एंट्रेंस दिया था, उस साल भी मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो मेरे पास 2020 तक का पूरा मटेरियल था, मतलब 17 में लेता चाहे 18 में 20 में कभी भी लेता। तो उसने क्या किया कि मैंने सारी जगह इंटरव्यू दिया, तो क्योंकि इंग्लिश वीक थी और IIT में तो इंटरव्यू देने में अगर आप लचर पचर बोलते हो तो दिक्कत आती ही है, तो मेरा इंटरव्यू में कहीं नहीं हो पाया। मैं अगर मेरी रैंक अच्छी थी तो मुझे यहाँ पर IIT गुवाहाटी में M.Tech मिल गया। M.Tech में आया तो फिर वही समस्या। कौन सी समस्या है कि आपको पता है जब स्टार्टिंग में हम सारे बैचमेट आए थे तो सारे लोग मतलब जो हिंदी भी जानते थे वो इंग्लिश में ही बात करते थे, कोई हिंदी कहाँ बोलता था। तो मुझे लगा कि यार आकर के लग रहा है हम गलत जगह फंस गए। और फिर क्या था, धीरे धीरे मतलब मैं क्या है कि कभी दूसरे से कंपेयर नहीं करता, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता रहता हूँ। तो मुझे पता था कि हाँ ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें सही कर रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो या हेल्थ हो या कोई भी चीज़ हो। मगर मैंने देखा कि ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी उस समय। मगर फिर एक दिन क्या हुआ कि ये हमारी मैम थी, क्या नाम है, कुसुम मैम ने बोला कि उमेश नॉलेज मैटर करता है और बायोटेक वाले, हाँ इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो साइंस होना चाहिए उसमें। तो वो चीज़ मतलब मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट बना कि यार चलो कम से कम कोई है, ठीक है, मतलब हम अगर हमें साइंस पता है तो बिल्कुल डूबेगा नहीं, चल जाएगा काम। फिर इसके बाद क्या हुआ कि काम स्टार्ट किया, फिर मैंने M.Tech का प्रोजेक्ट प्रोफेसर विशाल त्रिवेदी सर के अंडर से किया, वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर इसके बाद M.Tech कंप्लीट हुआ जैसे कैसे, फिर GRF ज्वाइन किया प्रोफेसर लिंगाराज साहब सर के अंडर में BSP में। फिर इसके बाद मैं सोचा कि अब घर के पास रहना है, तो इसके बाद मैं IIT BHU चला गया और IIT BHU में SRF में काम किया प्रोफेसर विकास कुमार दुबे सर के अंडर में। फिर कुल मिलाकर के मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सुपरविज़न मिला, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और लाइफ में मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। फिर इसके बाद मैंने PhD का फॉर्म कहीं डाला नहीं था, मुझे ये था कि शायद मैं BHU में ही PhD ज्वाइन करूँगा, मगर थोड़ा मुझे BHU का माहौल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो IIT गुवाहाटी से थोड़ा कम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें कम ठीक है, क्योंकि पुरानी स्टाइल का बना है और मैं इतने पीसफुल इन्वायरमेंट में रह कर गया था तो थोड़ी मन को नहीं भा रहा था। मगर एक चीज़ थी जो भा रही थी, मैं रात में बस में बैठता था, सुबह मैं अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी ऐसा मतलब थोड़ी सुकून देती थी कि चलो घर के पास है, हर सैटरडे संडे को घर पहुँच जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक चीज़ को त्याग करके दूसरी चीज़ के लिए डिसीजन लेना थोड़ा ठीक समझा। मगर बाद में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर इनर्जी में PhD ज्वाइन कर लिया IIT गुवाहाटी में ये सर हमारे प्रोफेसर VS मोलकर सर के अंडर में, तो अभी यहीं पर काम चल रहा है। तो उमेश ये जो PhD कर रहे हो, हाँ क्या बचपन में ही सोच लिया था कि हाँ मैं PhD करूँगा? मतलब ये ऐसा लगता है कुछ ऐसी वजह रही होगी इस वजह से PhD करे, मतलब खास वजह क्या है कि ठीक है मुझे हट करके करना था चीज़ें। क्या हट के कर रहे हो? हट करके ये है कि ठीक है PhD सोसाइटी में कितने लोग होते हैं और मुझे सोसाइटी से ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं जब देखता हूँ कि हमारे समाज में देखो दो तीन चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि हम
दूसरे को दोष देते हैं हमेशा, जैसे हम हमेशा जैसे एक इस लेवल पर भी अगर हम मतलब जैसे डिस्कशन करें कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं देखता हूँ जाने कितने मीम्स आते हैं व्हाट्सएप में कहीं कहीं कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है, तो जब पीएचडी नहीं है तो प्रोफेसर कहाँ से होगा। ठीक है, आदमी बोलता है कि मोनोपोली है, सब लोग मतलब लाबी बना करके ये करते हैं वो करते हैं। तो हम जब तक उस चीज़ उस सिस्टम को दोष नहीं दे सकते जब तक हमारे पास वो कैपेबिलिटी ना हो। कल हम पीएचडी करके अगर बेरोजगार घूम रहे हैं तो ये क्वेश्चन उठाने के लिए हम हकदार हैं, बाकी लोग नहीं कि आरक्षण का सिस्टम ये गलत है, कोई ओबीसी का नहीं बन रहा, कोई एससी का नहीं बन रहा। भाई पहली बात तो पीएचडी करना ही अपने आप में एक मतलब लोहे काटने से कम नहीं है, और फिर इसके बाद ठीक है अगर बेरोजगार घूमते हैं तो एक अलग बात है, मगर हाँ ठीक है बेरोजगार आदमी घूम रहे हैं मगर इतना भी बुरी स्थिति नहीं है। तो हाँ ये है कि आदमी डिग्री करता है तो एक एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि एक उसका लाइफ स्टाइल दूसरी लेवल, मतलब हट करके डिग्री है तो हट करके उसका स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। उस टाइम आप किस तरह का काम कर रहे हो पीएचडी में? अब पीएचडी में ठीक है, मैं क्या है कि पीएचडी को अभी बिल्कुल उस तरह का नहीं कर रहा जैसा मतलब एक क्या है चाहिए? मतलब क्या है कि आपकी समय के साथ साथ आपकी सोच भी बदलती है। जैसे क्या है कि पहले चीज़ें होती थी कि हाँ ठीक है हमें पीएचडी करना है, अभी क्या है कि मैं चीज़ों को बैलेंस करके रखता हूँ। okay. अभी क्या है कि मैं मेरा एक मतलब टाइम का डिवीज़न है कि एक्सपेरिमेंट मेरा इतने समय समाप्त होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है, और नहीं भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी चीज़ का टाइम एक्सपेरिमेंट में घुसेड़ दूँगा। अभी क्या है कि मुझे पता है कि मुझे 3 घंटे दिन में फिटनेस के लिए देना है तो मैं उसके लिए देता हूँ, चलता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जिम करता हूँ। और मुझे पता है कि मतलब इस क्योंकि हम एक ही चीज़ के पीछे कब तक भागेंगे, अब मतलब हो गया बहुत टाइम हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप पीएचडी एकदम चिल्ला करके दौड़ोगे और एकदम जा करके कहीं एट द एंड आप पीएचडी ज्वाइन करें अब खुश हो आप, मतलब मिल गया आपको। मैं अपनी लाइफ से हमेशा खुश रहा हूँ, मतलब मैं किसी चीज़ से ऐसा नहीं है कि मतलब जिसके लिए आपने इतने सारे कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए छोड़ दिए, इतने सारे प्रॉब्लम का सामना किया, एट द एंड आप उसको पीएचडी आपको मिल गई है अब खुश हो? देखो मैं खुश हूँ मगर बात यह है कि आप इंडिया में इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पा सकते हो ना रिसर्च के लिए, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है ना कि जैसे पता लगा तुम जर्मनी गए या यूएसए गए तो पता लगा 3 साल में हाथ में बड़े बड़े पब्लिकेशन और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के चले आओगे। तो यहाँ तो क्या है कि टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं होता है, कोई केमिकल ऑर्डर करते हो तो 1-1 महीने लग जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाए तो 6-6 महीने टाइम लग जाता है, तो उन चीज़ों की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। आप हाँ, सिस्टम में कुछ सुधार करना चाहते नहीं, हो? नहीं मैं कुछ नहीं कुछ सजेशन मैं कुछ नहीं करना चाहता, मगर हाँ ठीक है मतलब मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब हम लोगों का गुरुओं से आप खुश हो? हाँ मतलब मुझे ये मेरी किस्मत मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, आज तक जितने भी मुझे मतलब लोग मिले वो मतलब मुझे मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इस चीज़ की वजह से मैं मतलब बहुत दबाया जा रहा हूँ या परेशान हो रहा हूँ या जैसे, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारे पीएचडी स्टूडेंट को देखता हूँ वो बोलते हैं यार प्रोफेसर 9 बजे बुला रहा है, 10 बजे बुला रहा है, ये कर रहा है, इतने बजे मीटिंग रख रहा है, तो इस तरह के मतलब इस तरह का सिस्टम मुझे मतलब नहीं फेस करना पड़ा और जितना करना चाहिए उतना करना पड़ा। सो गाइज ये थे हमारे साथ उमेश कुशवाहा जिनका एकमात्र उद्देश्य था हायर स्टडी ऑप्टेन करना है, पीएचडी ऑप्टेन करनी है उनको, पीएचडी आईआईटी गुवाहाटी में ज्वाइन कर चुके और फिलहाल खुश है, सिस्टम से भी खुश है और अपने प्रोफेसर के अंडर ये बहुत मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। पर इनकी जो जर्नी थी इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आप लोग ने सुन ही लिया, आपने देख लिया है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। हमारे इस शो का ये पहला एपिसोड था, आने वाले टाइम में हम इसी तरह के कुछ और लोगों को लेकर आएंगे जिनकी ज़िंदगी से कोई ना कोई संघर्ष जुड़ा हो और आप लोगों के साथ उनको रूबरू कराएंगे। आशा है आप लोग को हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।